नमस्कार। दहशत की दास्तान में आज पेश है चित्रकूट और बांदा जिले का सबसे बड़ा डकैत ददुआ। ददुआ यानी शिव कुमार पटेल, एक ऐसा नाम जिसको गरीब तो अपने लिए मसीहा कहते थे लेकिन अमीरों के लिए वह दहशत का दूसरा नाम था। ददुआ जिसके ऊपर 200 से ज़्यादा हत्याएं दर्ज थी, 400 से ऊपर के केस दर्ज थे जो कि सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में बताए जाते हैं। माना यह जाता है कि 70 के दशक में इससे बड़ा डकैत कोई नहीं था, शायद इसीलिए इसको दस्यु सम्राट बोलते हैं। धमक इतनी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक इसकी लपेट में थे। भारत से लेकर दुनिया में हर कोई जो भी विंध्य क्षेत्र में आता था उसको ददुआ के बारे में सब कुछ पता होता था। कहते हैं कि ददुआ ने 22 साल की उम्र में जुर्म की शुरुआत की। जुर्म की शुरुआत भी वो तब जब गांव के दबंगों ने उसके पिता को बिना कपड़े के पूरे क्षेत्र में नंगा घुमाने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पिता का बदला लेने के लिए उसने अपने ही गांव के जगन्नाथ को सिर में गोली मारी और वो भी उनका पैर छूने के बाद। परिवार दहशत में था, उसने पूरे परिवार के लोगों को, 8 लोगों को एक साथ मारने के बाद अपने पिता का बदला लेने का ऐलान किया और यह शुरुआत थी शिव कुमार पटेल के ददुआ बनने की। ददुआ जो कि तेंदुए के पत्ते जिससे कि बीड़ी बनाई जाती थी उसका सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसे चित्रकूट और विंध्य का वीरप्पन भी कहा जाता था। जैसे वीरप्पन का चंदन की तस्करी में एकाधिकार था, उसकी जो पावर थी वो साउथ में उससे बड़ी किसी की नहीं थी, ठीक वैसे ही तेंदू पत्ते में अगर किसी का राज चलता था, दहशत थी, तो सिर्फ और सिर्फ ददुआ की। वह मसीहा था या डकैत, लेकिन राजनीतिक धुरंधर था। कोई भी सांसद, विधायक, सरपंच, नगर पंचायत या जिलाध्यक्ष उसके सामने घुटने टेकता था और उसके आशीर्वाद से सत्ता में आ जाता था। दहशत इतनी कि पुलिस और उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उसके ऊपर 10-10 लाख का इनाम रखा हुआ था। लेकिन वह बेखौफ 35 साल अपना राज करता रहा। खुद तो राजनीति में नहीं आया लेकिन भाई, बेटे, भतीजी, बहू सबको राजनीति में ले आया। किसी को सांसद, किसी को विधायक और किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष। उसने सब कुछ दिया और शायद गरीबों में उसकी जो धाक थी, लोगों के दिल में जो उसको लेकर के कल्पनाएं थी, उसी का रूप है जो फतेहपुर में उसके मंदिर के रूप में बनाया गया। जी हाँ, एक डकैत और उसकी माँ का मंदिर क्यों बनाया गया ये भी CBI जांच के दायरे में था कि इस मंदिर के लिए पैसा कहाँ से आया और कितना आया, यह तो कोई नहीं जानता या CBI जानती है और वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। लेकिन यह सच है कि ददुआ की दहशत एक समय तक बरकरार थी। 2007 में उसके मरने के बाद से लेकर अब तक शायद ही कोई डकैत हो जो पाठा के जंगलों में अपना स्थान काबिज कर पाया हो। ना कोई वैसा सरदार आया, ना कोई डकैत। पाठा के जंगल, चित्रकूट और बादा के गांव शायद इस कहानी से हमेशा जिया करते थे कि सो जा बच्चे, नहीं तो ददुआ आ जाएगा। मैं तो खैर इलाहाबाद का हूँ, लेकिन हमारे गांव में भी ददुआ की दहशत थी। पता नहीं कितने छोटे बड़े डकैतों के गिरोह उस समय से ददुआ के नाम से सक्रिय रहे होंगे। पुलिस ने धीरे धीरे सबको निपटाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब 4 से 5 घंटे लगातार लड़ाई हुई, मुठभेड़ हुई डकैतों और पुलिस की, और उसमें यह माना गया कि 20 लोगों की लाश में एक लाश ददुआ डकैत की भी है। बस यह खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन यकीन किसी को नहीं हुआ। यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ददुआ को किसी ने देखा नहीं था।
और यह हकीकत और फसाने से अलग हटकर उस दस्यु सम्राट ददुआ के बारे में लोगों के अंदर जो इमेज थी कि वह गरीबों के लिए काम करने वाला है और अमीरों को लूटने वाला है, इन सबसे अलग हटकर उसकी एक फिजा थी। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में यानी पाठा के जंगलों में उसकी अपनी सरकार चलती थी, अपनी सरकार अपना राज, यह था दस्यु सम्राट दहशत का दूसरा नाम ददुआ शिव कुमार पटेल। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपने गैंग रेप का बदला लेने के लिए डकैत बनी उस समय की फूलन देवी, जो बाद में सांसद भी बनी।